नी पॉइंट वोल्टेज ऑफ ए करंट ट्रांसफॉर्मर के बारे में डिस्कस करेंगे। नी पॉइंट वोल्टेज होता क्या है? तो सबसे पहले नी पॉइंट वोल्टेज मीन्स कि हमें क्या बताना चाहते हैं, नी पॉइंट वोल्टेज होता क्या है? तो ये सेचुरेशन लिमिट ऑफ ए करंट ट्रांसफॉर्मर को बताता है, मीन्स इट शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ सेचुरेशन लिमिट। ऑफ करंट ट्रांसफॉर्मर सीटी जिसको हम कहते हैं, मीन्स सीटी की सेचुरेशन लिमिट मीन्स उसके मैग्नीट्यूड बताएगा कि इसके आगे जितना भी वोल्टेज इंक्रीज करेंगे फ्लक्स ना बढ़ेगा ना कम होगा, इसको कहते हैं सेचुरेशन लिमिट। और जितने भी प्रोटेक्शन क्लास सीटी है इन सबको किसके अंदर ऑपरेट होना पड़ता है, नॉन सेचुरेशन रीजियन इज प्रोटेक्शन क्लास सी टी हैज टू ऑपरेट इन नॉन सेचुरेशन रीजन। मीन्स जितने भी प्रोटेक्शन क्लास सी टी हम यूज करेंगे उसको किस में ऑपरेट होना पड़ेगा, नॉन सेचुरेशन रीजन इसके अंदर इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। अगर सेचुरेशन के ऊपर होगा तो ये वर्क नहीं होगा। तो इसमें किसको ऑपरेट करना पड़ेगा, विद इन द नॉन सेचुरेशन रीजियन। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम अलाउेबल वोल्टेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो वी हैव टू कैलकुलेट मैक्सिमम अलाउेबल वोल्टेज लिमिट, मीन्स सेकेंडरी में कितना हम मैक्सिमम वोल्टेज लिमिट दे सकते हैं उतना हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी नी पॉइंट वोल्टेज की, ये तीनों पॉइंट के ऊपर से, व्हाट विल बी द डेफिनेशन, द वोल्टेज एट विच, द वोल्टेज एट विच 10% इंक्रीज इन वोल्टेज ऑफ सी टी सेकेंडरी, ऑफ सी टी सेकेंडरी रिजल्ट इन 50% इंक्रीज इन सेकेंडरी करंट। ओके, इसकी डेफिनेशन है दिस वोल्टेज एट विच 10% इन इंक्रीज ऑफ वोल्टेज ऑफ सिटी सेकेंडरी, मीन्स सेकेंडरी वॉल्ट सिटी की जो सेकेंडरी साइड होगी उसके अंदर हम 10% अगर वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, सेकेंडरी करंट जो है वो 50% तक इंक्रीज हो जाएगा। ये उसकी डेफिनेशन, द वोल्टेज एट विच 10% इंक्रीज इन वोल्टेज ऑफ सिटी सेकेंडरी रिजल्ट इन 50% इंक्रीज इन सेकेंडरी करंट। ओके, अब उसको हम इजी वे के अंदर हम उसको अभी और डिस्क्राइब करते हैं कि न्यू वोल्टेज क्या है, हम उसका ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। जैसे हमको फॉर्मूला मालूम है ई इज इक्वल टू 4.44 फ्लक्स इंटू सेकेंड इंटू करंट इंटू नंबर ऑफ कंडक्टर। ओके, तो हमें मालूम है कि फ्लक्स जो है प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज है और करंट जो है वो भी क्या है, प्रोपोर्शनल टू एमएमएफ है। तो जैसे जैसे वोल्टेज को हम इंक्रीज करेंगे, अगर सेकेंडरी वोल्टेज को हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। ओके, लेकिन एक पॉइंट आता है कि जितना भी अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे फ्लक्स वहाँ पे इंक्रीज नहीं होगा, तो उसको हम कहते हैं सेचुरेशन रीजन। ओके, मीन्स कोर की भी एक लिमिट होती है जो हम ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं ना, जैसे करंट ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर है, तो ये जो कोर है उसकी भी एक लिमिट होती है कि फ्लक्स को इंक्रीज करने की, उसके बाद में वो फ्लक्स को इंक्रीज नहीं करेगा, उसको कहते हैं हम नी पॉइंट वोल्टेज। में ये उसका ग्राफ है, ये वोल्टेज है और ये सेकेंडरी करंट है, ये सेचुरेशन एरिया है, इसको हम कहते हैं नी पॉइंट वोल्टेज।